अल्लाह के पास जाना है, अल्लाह से उसे मुलाकात करनी है, अल्लाह तबारक व तआला के सामने उसे पेश होना है, क्या करना पड़ेगा? अपने दिल को साफ करना पड़ेगा इन बुराइयों से, इन गुनाहों से, इन गंदगियों से। अपने दिल को साफ शफाफ करके अल्लाह के पास हाजिर होता है। क्यों? अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान मजीद के अंदर बयान फरमाया, ऐ लोगो, कयामत के दिन, यौम ला यनफऊ मालुन वला बनून, कयामत का दिन एक ऐसा दिन होगा कि जिस दिन आदमी को न उसका माल न उसके औलाद, दो ही चीज़ों पर आदमी फ़ख्र करता है ना, एक तो कहता मेरे पास बहुत माल है, अगर कभी जेल में बंद हुआ पैसा दे के छूट जाऊँगा। ला यनफऊ, नहीं नफ़ा देगी, जो मनी पावर उसके पास है, जो बैंक बैलेंस करके रखा हुआ है, कयामत के दिन मनी पावर कोई काम नहीं। वो ये सोचे कि कयामत के दिन गुनाहों के बिना पर अल्लाह को कुछ घूस वगैरह दे करके छुटकारा मिल जाए, नहीं, वहाँ घूस नहीं चलता है, वहाँ पर किसी किस्म का रिश्वत कबूल नहीं किया जाता है। ला यनफऊ, नहीं नफ़ा देगी। माल अव्वल नंबर क्या अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जिक्र किया, माल। तो गुनहगार आदमी अगर उसके पास पैसा है तो पैसों के बिना पर अपने गुनाह पर घमंड न करे कि मेरे पास तो पैसा छूट जाऊंगा, नहीं, नहीं छूट सकता है। दुनिया में घमंड पैदा हो जाता है, जब उसके पास माल आ जाता है तो माल आने के बाद उसके अंदर एक गुरूर सा आ जाता है, वो सोचता मेरे पास पैसे हर चीज में खरीद लूंगा, कयामत के दिन नेकियां नहीं खरीद पाएगा, कयामत के दिन जन्नत उसके हाथ से निकल जाएगी, वो जन्नत अल्लाह तबारक व तआला से नहीं ले सकता है। यौम ला यनफऊ मालुन वला बनून, और ना ही तो उसके बेटे, बेटे इसके बिना पर भी इंसान में फख्र होता है कि मेरे पास तो मैन पावर है, अगर कहीं पर झगड़ा हुआ सब बेटों को ले आकर के उसकी पिटाई करके चले जाऊंगा, कयामत के दिन नहीं चलने वाला है। वहां बेटा भी फायदेमंद नहीं होगा, वहां पर बेटी भी फायदेमंद नहीं होगी, वहां पर बीवी, वहां पर अब्बा, वहां पर चाचा, वहां पर खालू, वहां पर दोस्त, कोई काम नहीं आने वाला है। क्या चीज काम आएगी? इल्ला मन अतल्लाह बिकल्बिन सलीम, जिसको अल्लाह सही सालिम दिल दे दे, सलामती वाला दिल जो लेकर के आएगा वो कामयाब। अल्लाहु अकबर। ऐसे ही और वीडियोस बनाने में हमारी मदद करें